पोको के F4 डिवाइस के लिए यहाँ पे MIUI HD एडिशन काफ़ी टाइम पहले आया करता था, उसी का अपडेट रुक गया था और ये फिर से वापस आया है HyperOS का HD एडिशन बन के, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ 1.0.9। तो बीच में ये पेड सर्विस हो गए थे, सारे पेड रोम के अपडेट आते थे, बट अब ये जो मैं यूज कर रहा हूँ एक फ्री सर्विस है, इसमें काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं और परफॉर्मेंस वगैरह क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और आई होप कि आपको ये पसंद भी आने वाला है, क्योंकि ये रोम अपने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहा है, भी बहुत सारे लोगों ने इसे यूज भी किया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को यही चेकआउट करते हैं, रोम कैसा परफॉर्म करता है आज के टाइम में और इसे यूज करना चाहिए नहीं, इसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर। यहां पे आप देख सकते हो कि इसमें सिस्टम डिफॉल्ट इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, क्लॉक विजेट्स वगैरह, बाकी आप तो थीम वगैरह अप्लाई करके चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने थीम लगा के आइकन पैक को चेंज कर रखा है, आपको जैसी मर्जी है वैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर मॉडिफाइड किया गया, थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है, तो इसे अपने हिसाब से एडिट करके जो अरेंज कर लेना, उसके बाद आपको जो अपना मनपसंद का लुक यहाँ पे जो मिल जाएगा। बाकी आप देखो बैटरी का, नेटवर्क वगैरह का जो आइकन मैंने चेंज कर रखा है, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेटिंग के अंदर आते हैं, अबाउट में तो 1.0.9 MI यानी ग्लोबल वर्जन पे रन कर रहा है। पोको का F4 है, जहाँ पे हम डिटेल एंड इन्फो पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 14 फोर मंथ का सिक्योरिटी पैच, और बाकी यहाँ पे ग्लोबल का है तो उसी टाइप के एनिमेशन देखने को मिलते हैं, स्प्रिंग की एनिमेशन नहीं है जैसा कि चाइना वाले रोम में रहता है। बाकी एडिशनल में आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही है। मोनिट वाला मैंने इफेक्ट ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे USB जैसा लुक दिखाई दे रहा होगा, आप चाहो तो इसे डिसेबल भी कर सकते हो, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी फ्लोटिंग विंडो में आपको साइड बार के अंदर इन गेम शॉर्टकट, वीडियो टूलबॉक्स, कॉल टूलबॉक्स वगैरह आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बैटरी के अंदर यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन जितने भी यहाँ पे ओल्ड एंड्रॉयड वर्जन है उसमें यहाँ पे जो लोडिंग टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो स्क्रीन ऑन टाइमिंग है अच्छा खासा, मैंने टेस्ट किया है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं, नो इशूज। साउंड का प्रोफाइल सिंपल और सिमिलर है। डार्क मोड के अंदर आप देख सकते हो सारे ऐप शो कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो लुक है ये चेंज है मोनिट ऑन करने के बाद। ऑटो ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है। एडवांस टेक्सचर दिया गया है। रिफ्रेश रेट में आपको 1690 और 120 अनलॉक मिलता है, तो जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर बैक क्यों आते हैं तो आपको मिल जाता है होम स्क्रीन, जो कि थोड़ा मॉडिफाइड है, जैसे कि स्टेटस बार क्लॉक आपको रखना है या हाइड करना है, जो कि ये रहा। प्रीवियस ऐप पे स्विच करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। न्यू अनलॉक एनिमेशन है, फ्लूइड एनिमेशन है, पिन ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर डबल टैप का लॉक है, यहाँ पे आपको अदर ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ओल्ड विजेट आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, वॉलपेपर का जूम इफेक्ट बंद कर सकते हो, रो एंड कॉलम काफ़ी ज़्यादा दे दिया गया है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर्स के ऑप्शन, जहाँ पर असिस्टेंट आप ऑन रख सकते हो, यहाँ पर आईफोन वाला स्टाइल आप यूज कर सकते हो, जो कि ये रहा, और काफ़ी स्मूथली यहाँ पे काम करता है, तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आती। तो लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है। अनदर यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन है स्टेटस बार है, यहाँ पे स्टाइल नॉर्मल से आपको देखने को मिलते हैं और नॉर्मल सी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जैसे कि वो वाईफाई, एक्सपेंड कवर, म्यूजिक वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बैकग्राउंड ब्लर वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है फीचर्स के मामले में। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, वही सारे सिंपल सी चीज़ें हैं। वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन के अंदर नॉर्मल से वॉलपेपर और सुपर लाइव वॉलपेपर ऐड है, बट जो AI डायनेमिक है वो नहीं है। अनदर यहाँ पे जो टाइमिंग है वो आपको अनलॉक मिल जाता है, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि 10 सेकंड वाला ही यूज करो या ना यूज करो, क्योंकि फालतू का ऑलवेज ऑन रखोगे तो बैटरी ड्रेन होगा और फिर आपको बैकअप थोड़ा सा कम नजर आएगा। तो ये रोम का इशू नहीं है, ये AOD ऑन करने के बाद हर एक डिवाइस पे सिमिलर इफेक्ट पड़ता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये है इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आपको आइकन स्टाइल मिल जाते हैं, जैसे कि AOSP में देखने को मिलता है। सिग्नल आइकन चेंज कर सकते हो, बैटरी आइकन चेंज कर सकते हो, वो वाईफाई आइकन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको नॉच के अलग स्टाइल दिए गए हैं, जो चाहिए वो अप्लाई करो, लेकिन एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा तभी ये सारे लुक आपको नजर आएंगे और ये काम करते हैं। अनदर बैक आते हैं तो यहाँ पे मीडिया कवर टार्ट, जो कि क्लियर प्लेबैक या एडवांस टेक्सचर या ग्रेडियंट कर सकते हो। नेविगेशन स्टाइल, जो कि आप तो जेस्चर हर को यूज करता है, यहाँ पे जेस्चर्स का भी मोनेट इफेक्ट, जो कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, देख रहे हो ना कितना स्मूथली, बस क्लिक करो स्लाइड करो उसके हिसाब से ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो इस तरीके से इसके जो ऑप्शन मिल जाते हैं और काफ़ी सही तरीके से एक्यूरेट काम करता है। यह इसके चार्जिंग एनिमेशन वगैरह, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो भी चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे सेट करोगे उसके अनुसार यहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट्स वगैरह जो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैंने कौन सा कर रखा है भाई, ये किया है, और ये आता है कि नहीं आता, तो भाई नहीं आया, ऐसे कैसे भाई,
ऐसे कैसे, आई थिंक रीस्टार्ट करना पड़ेगा, चलो वो भी चेक कर लेंगे। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेटिंग, जो कि मॉनिटर वाला मैंने डाल रखा था, अगर आप डिफॉल्ट रखते हो तो डिफॉल्ट पे जैसा लुक रहता है वैसा आपको जो देखने को मिलना चालू हो जाएगा कुछ देर के अंदर। यहाँ पे कॉल के अंदर के इनकमिंग आउटगोइंग वगैरह आप कलर कर सकते हो, ताकि कलर से ही पहचान सको क्या है कैसे है। बाकी यहाँ पे ये सारे ऑप्शन तो मैंने शो कर ही दिए हैं। यहाँ पे स्वूप के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट का है, प्ले स्टोर वगैरह का, स्टोरेज वगैरह का है, यहाँ पे पिक्सल स्टोरेज वगैरह है, फोटो स्टोरेज वगैरह है, गेमिंग के लिए है, नेटफ्लिक्स के लिए है, तो ये कई सारे आपको मिल जाते हैं। और साथ साथ थीम सर्वर भी दिया गया है, यानी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे अनलॉक है। रिफ्रेश रेट को आप लॉक कर सकते हो, बाकी इनका सपोर्ट ग्रुप वगैरह आपको मिल जाता है, पावर मेनू एक्सटेंडेड वाला भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो ये सारे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन यहाँ पे आपको नजर आता है। रही बात यहाँ पे विजेट सपोर्ट वगैरह, तो विजेट सपोर्ट आपको चाइना वाला अनलॉक मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, बट यहाँ पे देखो ये लुक है ना, ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का दिखाई देता है। अब रही बात टेस्ट रिजल्ट, तो सबसे पहले अनटू रन किया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना अच्छा तो आता ही नहीं है, लेकिन आजकल जितने भी रिसेंटली रोम आ रहे हैं सभी में इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि पसंद आया। यहाँ पे सीपीयू टोटल 3,37,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,95,089 का परसेंटेज, और ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अनदर गीकबेंच काफ़ी अच्छा है, मल्टी थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट मैं कहूँगा कि टॉप नॉच के आसपास है। यहाँ पे आप देखो कि हमारा बैटरी ड्रॉप 72 के बाद मॉर्निंग में आता है 78, जहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप है 9 hours 50 minutes में। और इस फोन में आजकल ऐसे ड्रॉप आ रहा है क्योंकि फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो भाई थोड़ा सा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, तो इससे रिलेटेड मुझे कोई शिकायत नहीं है। सेकेंड डे मैंने दोबारा रन किया तो 3,25,000 मैक्स और मिनिमम 2,89,091 का परसेंटेज, और ये भी काफ़ी स्टेबल और बैलेंस रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो कि पसंद आया। अनदर यहाँ पे डिवाइस आपका सर्टिफाइड है, बैंकिंग ऐप यूज कर पाओगे, दिक्कत नहीं आती, इसके लिए भाई आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो इसे जस्ट इग्नोर करो। फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलता है, तो जितना चाहो मर्जी अपलोड करो, और यहाँ पे डिवाइस इज लॉक्ड, यानी जो बूटलोडर का स्पूफ है ना वो भी यहाँ पे ऐड किया गया है, तो और क्या चाहिए भाई, तो ये सब कुछ भी मजे वाली चीज़ आपको मिलती है। एयरवन का सपोर्ट आपको मिल जाता है, कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, काम करता है, नो इशूज। गेमिंग में एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक किया गया है, क्योंकि इसका सेटिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये वॉलपेपर आपको मेरे टेलीग्राम वॉलपेपर चैनल वगैरह पे जो मिल जाएगा। अब एक बार मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो हमारा चार्जिंग एनिमेशन था वो देखना है काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पे नहीं था, और कैमरा के ऊपर जो मैंने इफेक्ट डाला था वो भी शो नहीं हुआ, तो उसके लिए भी रिबूट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन हाइपरओएस का थोड़ा सा चेंज किया गया, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और ये है हमारा एचटी का बूट एनिमेशन। और मैं इस एंड में एक जो फ्लैशिंग गाइड ऐड कर दूंगा, जिससे फॉलो अप करके इस रूम को आप अपने फ़ोन में डाल पाओगे, चाहे आप चाहो तो TWRP से डालो, या फिर आप बैट फाइल रन करके PC से भी डाल सकते हो, क्योंकि ये हाइब्रिड रूम के रूप में जो सामने आता है। अब देखो कैमरे के ऊपर है जो मिकी माउस वाला जो आइकन बन गया, तो माउस का नहीं कैट का आइकन बना है, तो ये रिबूट करने के बाद अप्लाई हुआ जैसा कि मैंने कहा था, तो जो भी सेटिंग आप अप्लाई करो एक बार रिबूट कर लेना। अब रही बात चार्जिंग एनिमेशन, वो शो होता है या नहीं, क्योंकि उस समय शो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने चार्जिंग पर डाला है, लेकिन अभी स्टिल कोई लुक नहीं आ रहा, तो चार्जिंग एनिमेशन में भी आई थिंक बगी है, जो कि अभी शो नहीं कर पा रहा, लेकिन बाकी अदर सेटिंग यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो बस मिलते हैं इस वीडियो में, इंस्टॉलेशन देख लो और इंस्टॉल कर लो, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। ओके, सिंपल आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपके फोन के अंदर जो भी रिकवरी आपने डाला है वो ऑन हो जाएगा, और हमेशा रिक्वायर्ड रिकवरी ही यूज करना। अगर बोला गया है कि ऑरेंज फॉक्स यूज करना है तो ऑरेंज फॉक्स, अगर TWRP बताया गया तो TWRP, अगर नहीं बताया गया तो लेटेस्ट वाला ही यूज करना, इस बात का ध्यान रखना अगर आप है जो अपना TWRP वाला मेथड फॉलो करने वाले हो तो। और ये जो पासवर्ड आया है ये आपके डिवाइस का लॉक स्क्रीन का पासवर्ड रहेगा, तो आपका जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड होगा वो डाल देना, उसके बाद आपका है जो इस तरीके से इंटरनल शो करने लग जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल ब्राउज करना है रोम को, जो भी रोम आप फ्लैश करने वाले हो अपने डिवाइस के अंदर सपोर्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देखो हाइब्रिड लिखा हुआ है, समटाइम रोम के ऊपर हाइब्रिड लिखा हुआ नहीं रहता, तो इग्नोर करना। पहले अक्सर बताया जाता है वाइप करने के लिए यहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि वाइप ना ही करो तो बेटर रहेगा, इससे कुछ एडवांटेज आपको मिल जाता है। जैसे कि आप रोम सेलेक्ट करके फ्लैश करते हो तो समटाइम एरर आता है, तो वैसे में आपको जस्ट यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी कर लेना है और दोबारा रोम को फ्लैश करना है। वैसे में अगर आप स्टार्टिंग में वाइप करते हो तो इंटरनल काम करना बंद कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम दिक्कत आता है, इसलिए फर्स्ट टाइम वाइप मत करो, डायरेक्ट रोम को सिलेक्ट करो और स्वाइप करो। हाइब्रिड रोम का आप अपने रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो, अगर आपके डिवाइस का रिकवरी है तो, अदरवाइज PC से। तो ये था हमारा रिकवरी मेथड, अब PC वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे PC स्क्रीन पे एक रोम है जो कि मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ यहाँ पे, इसमें भी हाइब्रिड लिखा हुआ है। अगर नहीं रहता तो कैसे पहचानना है, जब भी आप रोम को अनजिप करोगे ना तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से इंस्टॉलर बैट का फाइल बना हुआ रहता है, कई बार कई सारे फाइलें बनी रहती है, कई बार एक दो ही फाइलें रहती है, लेकिन हाँ बनी हुई रहती है।
और मोस्ट टाइम लिखा हुआ रहता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब सिंपल इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पे फ्लैश हो रहा है इसे हम होने देते हैं। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद इसका जो फोल्डर क्रिएट हुआ है उसे आपको ओपन कर लेना है। देखो और भी मैंने यहाँ पे रोम को अनजिप कर रखा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइलें बनी हुई है, मोस्टली हमें जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल वाले के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने अभी जो अनजिप किया था वो ये रहा, ठीक है, इसमें इंस्टॉलर फाइल है। अब मैं इसे इसमें फ्लैश करके दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, हमें फास्टवुड मोड ऑन करना है, जिसके लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे लाइट अप होगा हम पावर बटन को लीव करेंगे और वॉल्यूम दबाए रखेंगे। अब यहां पे आ चुका, अब इसे हम पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, ये आप अपने फोन से फॉलो नहीं कर सकते, इसके लिए पीसी की जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन यहां पे ये जो प्रोसेस बताया सेकंड वे जो कि रिकवरी का है, ये तो आप कर ही सकते हो। अब यहां पे मैं बैट फाइल को रन कर दूंगा। मे बी कोई कोई बैट फाइल रन होते समय आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगता है और कई बार सिंपली फ्लैश होने लग जाता है, तो आपको कमांड के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि पूछ रहा है कि रूट करना है या नहीं, अगर आपको नहीं करना है तो उसके अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि डोंट रूट। अगर आपको रूट करना है तो आप उसके अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो, उस पर इंटर क्लिक करो। अगर ये ऑप्शन आते हैं तो करना है, अदरवाइज सिंपल फ्लैश होने लग जाता है। अब पूछ रहा है कि रूट कैसे करना है, मैजिक से या फिर KSU, जिसके लिए ए और बी का ऑप्शन है, तो आप उसके अनुसार अपना पिक कर लेना और इंटर पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे कस्टम कर्नल भी इसमें दिया गया है, तो उसके अनुसार पूछ रहा है कि स्टॉक चाहिए फिर कस्टम चाहिए, तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। मुझे अगर चाहिए कस्टम तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी दबाऊंगा, इंटर पे क्लिक करूँगा। तो समटाइम ये पूछेगा समटाइम नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये था दूसरा मेथड जो कि हाइब्रिड है, मैंने पीसी फ्लैश किया। अगर चाहता तो मैं इसे इंटरनल में डाल के फ्लैश कर सकता, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अब यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो गया है, अगर नहीं होता तो क्या बोला था, रिबूट टू रिकवरी करके फिर से फ्लैश करने के लिए। तो जैसे कंप्लीट फ्लैश होगा होम पे आना है, वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे यस टाइप करना है और राइट पे क्लिक कर देना है और रिबूट पे कर देना है। इस तरीके से अगर नो इस इंस्टॉल लिखा हुआ भी आता है तो इग्नोर करना, समटाइम ये लिखा हुआ आता है और समटाइम नहीं आता, जस्ट हम यहाँ पे कर देंगे क्योंकि हमारा रोम इजीली फ्लैश हो चुका है। टेस्ट हाइब्रिड का मेथड वन जो कि रिकवरी की हेल्प से था, और दूसरा भी है जो रन कर रहा है जो कि हमारा पीसी का। मैंने एक साथ दोनों इसलिए बताया ताकि कम टाइम में आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ जाए और जो भी आपके लिए अच्छा रहे वो आप फॉलो कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। तो इग्नोर करना कि मैं डिवाइस कौन सा यूज कर रहा हूँ, रोम कौन सा यूज कर रहा हूँ, बस आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है और फॉलो कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका बूट एनिमेशन आ गया और ये ऑन भी हो गया। और हाइब्रिड वाले मेथड में जो पीसी वाला है उसमें आप देख सकते हो लास्ट में पूछ रहा है कि आपको इंटरनल फॉर्मेट करना है या नहीं, समटाइम ये ऑटो फॉर्मेट कर देता है, पूछता नहीं है। तो जब पूछे तो आप यस कर लेना, इंटरनल फॉर्मेट कर लेना एवरी टाइम, बेटर रहता है रोम के स्मूथनेस और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो यस टाइप करेंगे और क्लिक कर देंगे। आप देखोगे कि हमारा कमांड बंद हो चुका है, रन कर रहा था, जो हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑफ हो गया, अब ऑन करेगा और कुछ देर में ये भी बूट कर जाएगा। तो हाइब्रिड मेथड के दो तरीके बताए जो कि आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो है जो मिलते रहे फ्यूचर में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।